हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। मान लीजिए एक बैग आपने 500 रुपये में खरीदे हैं और उसको आप 20% लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, आप उसको कितने में बेचेंगे। आज का क्वेश्चन यही है। तो यहाँ पर हम समझते हैं, कोई भी चीज़ जब हम खरीदते हैं तो उसको 100% देते हैं, यानी किसी कीमत है एक बैग का 500 रुपये, तो उसको हम 500 देंगे, यानी वो हमारा 100% है। तो कीमत कितना है 100% बराबर 500, यानी एक बैग हम खरीदे हैं 500 रुपये में, हम इसको 100% चुकाए हैं, यही है। और उसको 20% लाभ पर बेचना चाहते हैं, 20% लाभ पर, यानी प्रॉफिट हमको चाहिए 20%, तो हम उसको कितने में सेल करेंगे, राइट। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 100% प्लस 20% बराबर 120%, यानी हम उसको कितने में बेचेंगे 120% में। 100% इक्वल कितना है हमारा 500 रुपये, ₹500, ठीक। तो 120% बराबर हमारा कितना होगा, हमारा क्वेश्चन है ये, राइट। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। ये परसेंट और ये परसेंट कैंसिल हो गया, और एक जीरो और एक जीरो कैंसिल हो गया, फिर एक जीरो और एक जीरो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा कितना है 120 × 5, तो 120 × 5 बराबर, ये हमारा क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0 0, और 5 × 5 = 6, यानी इसको हम बेचेंगे 600 में, ठीक है। हम खरीद के लाए थे 500 रुपये में और हमको चाहिए 20% प्रॉफिट, तो हम उसको कितने बेचेंगे 600 में। 20% प्रॉफिट मतलब 100%, हमने 100% लगाया और प्लस हमको चाहिए 20%, यानी हमको चाहिए 120%, तो 120% बराबर होगा 600 रुपये, यानी हम उसको सेल कितने में करेंगे 600 रुपये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।